कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में शाम 5 बजे से होने जा रही बैठक में सूखे के हालात और 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले कुपोषण मुक्त अभियान, विधानसभा का विशेष सत्र के साथ साथ कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने पर कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। बैठक में खरीफ फसलों की भी समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक से पहले शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई, जिसमें अजीत जोगी की जाति पर निर्णय के बारे में इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज श्रोता हेमंत शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि आज विशेष बैठक होगी, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा आज हो सकती है? देखिए, शाम 5 बजे ये जो कैबिनेट की बैठक है वो मुख्यमंत्री निवास में होगी, और इस कैबिनेट में देखा जाए तो दर्जने मुद्दे हैं वो इसमें शामिल हैं। सबसे प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो जो सूखे के हालात छत्तीसगढ़ में बने हैं, कई जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, काफी सामान्य बारिश जिलों में हुई है, तो वहां पर जिस तरीके से सूखे के हालात बन रहे हैं तो उस पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा अभियान जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है कुपोषण से मुक्ति के लिए, तो उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में होने जा रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि क्या रोडमैप उसका होना चाहिए, किस तरीके से जो पूरी अभियान है उसको प्रदेश में कैसे फैलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा में उनकी जीवनी पर चर्चा की जाएगी, तो वहां पर इस विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसके लिए तैयारियों पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी जोर शोर से चल रहा है और विवादों में है, इस तरीके से स्कूल शिक्षा मंत्री के विभाग में जिस तरीके से जो ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर जो विधायक हैं, 6 से 7 विधायक कुछ दिन पहले उनके बंगले पर पहुंचे थे और उन्होंने विरोध जताया था। उसके बाद ये देखने को मिला था कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे थे तब भी कार्यकर्ताओं ने जो प्रेम साय जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उनके OST राजेश सिंह की वहां पर शिकायत की थी और साफ तौर पर कहा था कि पूरी मनमानी तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है, न कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है न पार्टी के विधायकों की सुनी जा रही है। तो इस गंभीर मसले पर यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आ गया है और मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। कार्यकर्ताओं से भी वो कहा था कि इस मामले में शिकायत जरूर होगी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये रहेगा कि जो ये लगातार जो विवाद चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जरूर चर्चा करेंगे, और बैठक में जिस तरीके से स्कूल शिक्षा मंत्री रहेंगे तो उनसे भी सीधे तौर पर 1-to-1 मुलाकात उनकी होगी। इसके अलावा बहुत सारे और इसमें जो मुद्दे हैं, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से फैसला अभी लिया गया है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27% बढ़ाया गया है तो उसको यहाँ पर अंतिम मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा खरीफ फसल का सीजन आ रहा है तो उसकी समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है बड़वानी से, जहां मेधा